दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है एसएस क्लासेस। आज हम लोग वर्ग 12 के इंग्लिश के विषय में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप हमसे संपर्कित हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमको जो है सो ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखेंगे अब हम लोग वीडियो। ये चैप्टर 9 है जिसको जिसका नाम द अर्थ है और इसको लिखा गया है एची बिट्स के द्वारा। तो इसके जो है सो हम इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आज देखने जा रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगेगा तो आप लास्ट में हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ इसको लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर कर दें। देखते हैं क्या है सबसे पहला प्रश्न। एचीब्यूट्स वाज बर्न इन डैश डैश डैश, तो इसके लिए आंसर हो गया 1905 ईस्वी। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एचीब्यूट्स वाज डेड इन, तो इसके लिए हाँ आंसर है 1974। आगे बढ़ते हैं। डैश 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 वर्कड फॉर सम टाइम्स एज ए जर्नलिस्ट, तो इसके लिए आंसर हो गया एच ई बिट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि द पेरेंट्स ऑफ बेंजी वाज डैश डैश डैश, तो इसके लिए आंसर हो गया लेजी। आगे बढ़ते हैं। उसके आगे क्या आ गया हमारा प्रश्न, तो बेंजी मैरिज टू डैश डैश डैश, इसलिए इसका आंसर आ गया फ्लोरेंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला कि डैश 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 बिलीव्स दैट द गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड ही टेक्स केयर ऑफ इट, तो कौन ऐसा कहते थे, तो इसका आंसर हो गया जॉनसन। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा प्रश्न, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैम्स, तो इसके लिए आंसर क्या लिखा है मैंने, देखेंगे। बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैम्स, थ्रू दिस बिजनेस आई कैन अर्न लॉट ऑफ मनी एंड स्पेंड ए हैप्पी लाइफ। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड बेंजी वॉन्ट टू डू विथ दैट मनी, यानी कि उसने जो मुर्गी जो बेचा तो उससे वो क्या चाहता था, उस पैसे क्या करना चाहता था, इसके लिए आंसर मैंने क्या लिखा है। तो बेंजी वांटेड टू बिल्ड बिल्डिंग्स विथ दैट मनी एंड वांटेड टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी टू सेल दोज बिल्डिंग्स एंड वांटेड टू स्पेंड ए पीसफुल लाइफ, ये हो गया इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये था टोटल प्रश्न, इसको हम क्या करेंगे फिर से देख लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखेंगे यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, देखेंगे यहाँ तक ये पहला प्रश्न आया, दूसरा, तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह आ गया तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, ये है आपका लास्ट प्रश्न, देख लीजिए इसको। दोस्तों आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।